जीरा प्याज 5 फुटन और तेल डालने के बाद फिर ये मछली डालेंगे बने। ये जो मछली है इसे खट्टा बनाएंगे। ये देखिए छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा मछली एकदम देसी मछली छोटा छोटा इसे बनाएंगे खट्टा मछली खट्टा बनेगा। ये हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 6:30। बाबूजी ने खेत में गए थे, सुबह सुबह उठ के खेत में गए थे, खैंची बैठाए थे तो जोर से जो बारिश हुई थी कल रात भर बारिश हुई थी तो बहुत सारे मछली पड़े खैंचा में, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। मम्मी बैठ के उस मछली बना रही है मछली, ये देखिए मछली बना रहे मम्मी जी और बहुत सारा मछली आई है। ये देखिए इतना मछली, ये देखिए ये सारे देसी मछली है और ये देखिए एकदम जिंदा मछली छोटा छोटा मछली। ये देखिए एकदम जिंदा मछली, बहुत सारा मछली आई है तकरीबन 1.5 किलो के ऊपर। ये देखिए मम्मी जी और दादी यहाँ पे बैठ के मछली बना रहे हैं। ये देखिए एकदम जिंदा मछली। ये जो मछली है ये सेवड़ा मछली है, सेवड़। ये देखिए ये छोटा सा छोटा वाला मछली, छोटा सेवड़ा बढ़िया रहा। एक बड़ा वाला भी आया था और तकरीबन 200-300 ग्राम का होगा। बाबूजी ने उसे हमारा तालाब में छोड़ दिया, वो जिंदा था क्योंकि अभी अभी हम लोग कोई मछली नहीं खा रहे हैं, जैसे कि बाबूजी और मम्मी जी और भाभी ये तीनों तो मछली नहीं खा रहे हैं। बस हमारा घर में अभी का टाइम में बाबूजी और मम्मी जी तो मेडिसिन खा रहे हैं, वो देसी मछली नहीं खाएंगे। और भाभी का तो अभी व्रत चल रहा है, मंगला माँ का व्रत चल रहा है तो वो भी मछली नहीं खा रहा है और 1 महीने से, तो सिर्फ मैं दादी और गेलू खाएँगे। तो इसीलिए बाबूजी ने वो जो सौड़ का मछली आया था, एक जिंदा मछली तकरीबन 200-300 ग्राम होगा, वो तालाब में छोड़ दिया। और ये जो छोटा छोटा मछली ये सारे थोड़ा थोड़ा मर गए हैं और कुछ भी जिंदा है, तो इसलिए ये सबको मम्मी और दादी बैठ के बना रहे हैं। ये देखिए ये हमारा देसी मछली, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बैठ के यहाँ पर। अभी 2-3 महीना तक ऐसे ही मछली मिलेंगे खेत में, क्योंकि अभी अक्टूबर महीना चल रहा है ना और थोड़ा थोड़ा बारिश होगा और ऊपर से पानी आएगा पहाड़ से, तो बहुत ज़्यादा मछली मिलेंगे खेत में मिलेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मिलेंगे बहुत सारा मछली मिलेंगे। वो जो सफ़ेद कंकड़ा होता है ना छोटा छोटा खेत में घूमते हैं, तो वो हमारा खैचा में 2 आए थे छोटा छोटा, गेलू बोला कि खाना का उसे खाएगा, तो इसलिए वो उसका मम्मी उसके पकड़ के ले आया उसे बनाने के लिए। फिलहाल अब जाएंगे खेत के साइड क्योंकि बाबूजी ने वो खैचा बिठाया है जो मछली पकड़ के लाए थे, तो दिखाता हूँ आप लोगों को खैचा को क्या है, तो दिखाते हैं। चलिए गेलू और मैं जा रहे हैं अभी। इतना मछली
कितना मछली पड़ा है तो खंचा में दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए गेलू और मैं जा रहे हैं। ये देखिए गेलू आगे आगे जा रहा है बैग लेके। फाइनली बाबूजी जहाँ पे खंचा बैठाए हैं तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए आवाज़ आ रहा होगा, पानी का आवाज़ आ रहा होगा। ये देखिए इससे बोलते हैं खंचा, इस तरह का पानी आता है यहाँ से। तो एकदम खंचा के अंदर जो मछली आएंगे सीधा खंचा का अंदर चले जाएंगे। चलिए थोड़ा घर का अंदर चलते हैं। जति सुबह से उठ चुका था तो वो अभी सो रहा है, उसे भाभी सुला रही है। मेरे को बोल रही है कि थोड़ा बिस्तर बिछाने के लिए मैं थोड़ा हाथ धो लेता हूँ क्योंकि मछली पकड़ा था मैं ये बाँव हाथ से। फाइनली हमारा मछली भजा बन के रेडी हो चुकी है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये गेलू के लिए मछली भजा और हमारा वो प्लेट में है। और ये जो मछली है इसे खट्टा बनेगा, एकदम देसी स्टाइल में बनेगा खट्टा, दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरा प्याज 5 फुटन और तेल डालने के बाद फिर ये मछली डालेंगे अपन। ये जो मछली है इसे खट्टा बनाएंगे। ये देखिए छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा मछली, एकदम देसी मछली छोटा छोटा, इसे बनाएंगे खट्टा। मछली खट्टा बनेगा ये। इमली की पानी तैयार कर रहे हैं मम्मी, देखिए। ये देखिए हमारा मछली खट्टा बनकर रेडी हो चुकी है, बस अभी खाएंगे लंच में। फिलहाल लंच टाइम हो चुकी है,
बस करते हैं लंच। लंच में खाएंगे मछली भजा, मछली खट्टा, साथ में मछली करी। और मेरे साथ गेलू खा रहा है, ये देखिए पापा मोटे गेलू खा रहा है। चलिए खाते हैं अभी। ये देखिए मछली भजा। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात को 9:30। बस करते हैं डिनर। डिनर में बनी है रोटी और हरी सब्जी, खाते हैं साथ में। एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके देना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।